नमस्कार, सियासी गलियारे देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं साकेत सुमन। सियासी गलियारे में हम आपको बताएंगे कि बड़ौदा में तो ठंडक है लेकिन हरियाणा की राजनीति गर्म है। एक रण खत्म हुआ और एक रण की शुरुआत होने वाली है विधानसभा के अंदर। जी हां, हरियाणा का विधानसभा सत्र जिसकी शुरुआत होने वाली है और ऐसा शुरुआत से ही धमाका होगा क्योंकि विपक्ष पूरी तैयारी कर चुका है। इसके साथ साथ प्रदेश में कहां कहां और किस तरीके से सियासी पारा उबाल पर है, गर्म है, इससे कराएंगे अपनी इस पेशकश में रूबरू। चलिए शुरुआत करते हैं सियासी गलियारे की। हरियाणा में 5 नवंबर से विधानसभा सत्र का आयोजन होने वाला है। 26 अगस्त को हुए विधानसभा के एक दिन के मानसून सत्र को ही आगे जारी रखा जा रहा है। इस बात की जानकारी खुद ज्ञानचंद गुप्ता ने दी। साथ ही इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि विपक्ष आखिर गुरुवार को होने वाले सत्र में क्या क्या मुद्दे भुना सकता है, भुनाने की कोशिश कर सकता है। आ गई हरियाणा विधानसभा की तारीख, फिर लगेगी हरियाणा की विधानसभा। विधानसभा सत्र का फिर होगा आगाज। जी हां, 5 नवंबर को हरियाणा विधानसभा का सत्र होगा। 26 अगस्त को हुआ एक दिवसीय सत्र जारी रहेगा और इसकी जानकारी खुद विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने दी। 26 अगस्त को एक दिन का सत्र बुलाया गया था जिसमें तमाम काम पेंडिंग रह गए थे। ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि एक दिन का मानसून सत्र बुलाया जाएगा और सभी पेंडिंग काम निपटाए जाएंगे। साथ ही कोविड की सावधानियों के साथ साथ अब की बार सभी विधायकों का कोरोना टेस्ट भी कराया गया है और सभी को मास्क पहनकर ही विधानसभा में आने की अनुमति भी होगी। विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। इस सत्र के अंदर भी पिछले सत्र की भांति जो कोविड को लेकर के सभी सावधानियां बरती जा रही हैं और इन सावधानियों के साथ साथ अब की बार हमने जो सभी विधायक हैं उनका कोविड टेस्ट, उसके अलावा 2 गज की दूरी बनी रहे और सभी विधायक, सभी कर्मचारी, अधिकारी मास्क पहन करके ही विधानसभा परिसर में प्रवेश करें। पिछली बार पहले सत्र की अवधि 3 दिन तय हुई और अंत में सत्र को एक दिन ही कराया गया था, लेकिन सत्र की ज्यादा जानकारी देते हुए ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि हमारे पास 410 तारांकित प्रश्न आए हैं और इसके अलावा 160 गैर तारांकित प्रश्न भी हैं, लेकिन इस बार 2 दिन में 40 प्रश्न की ही सदन में लगने की आशंका है। अभी तक हमारे पास 410 जो तारांकित प्रश्न है वो यहाँ पर आए हैं और इसके अलावा 107 जो है गैर तारांकित प्रश्न अभी तक हमें मिले हैं, उनको हमने स्क्रूटनाइज किया है और उसमें से क्योंकि एक दिन के अंदर 20 प्रश्न जो है वो लग पाते हैं। पहला जो सत्र इसी का पार्ट था उस दिन 20 प्रश्न जो है वो टेबल कर दिए गए थे और अब 2 दिन के अंदर 40 प्रश्न जो है और इस सत्र के अंदर लगने की आशा है। वही विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने विपक्ष से भी उम्मीद लगाई है कि हर बार की तरह विपक्ष से इस बार भी अच्छा सहयोग मिलेगा। मुझे पूरी आशा है कि विपक्ष के भी सभी जो हमारे साथी हैं उनका सहयोग जरूर जैसा पहले मिलता रहा है अब की बार भी मिलेगा। बड़ौदा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के बाद अब सियासी दल वीरवार से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र की तैयारी में जुट गए हैं। मानसून सत्र की पिछली बैठक में कोरोना के चलते भले ही प्रश्नकाल नहीं हो सके थे, लेकिन इस बार विपक्षी दलों के साथ ही सत्तारूढ़ बीजेपी और जेजेपी के विधायकों के कई सवाल प्रदेश सरकार को असहज कर सकते हैं। प्रश्नकाल के लिए विधायकों ने कई ऐसे मुद्दे उठाए हैं जिन पर टकराव तय है। कृषि कानूनों पर सरकार का घेराव, किसानों के कृषि कानूनों पर प्राइवेट बिल का मुद्दा, कानून व्यवस्था पर सरकार का घेराव, अवैध खनन और ओवरलोडिंग का मुद्दा, सेवानिवृत्त कर्मचारियों अधिकारियों की नियुक्ति का मुद्दा,
पीटीआई टीचर्स का मुद्दा, आशा वर्कर्स के वेतन बढ़ाने की मांग का मुद्दा, बड़ौदा का चुनावी माहौल खत्म हुआ तो अब सबकी निगाहें विधानसभा के सत्र पर अटक गई है। विपक्ष प्लानिंग में लगा है कि सरकार का घेराव करें, तो सरकार तैयारी कर रही है हर सवाल का सटीक और सही जवाब देने की। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिंवर की रिपोर्ट। गुरुवार को होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर हमारे संवाददाता पवन सिंवर ने विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से खास बातचीत की। हरियाणा विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, इससे पहले 26 अगस्त को एक ही दिन विधानसभा का सत्र चला था और उसके बाद स्थगित हो गया था। अब ये सत्र एक बार फिर शुरू होने जा रहा है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता हैं। सर, विधानसभा का सेशन शुरू होने जा रहा है, इसको लेकर क्या तैयारी की गई है? सर देखिए, ये सत्र जो 26 अगस्त को स्थगित किया गया था, दोबारा से कल सायं 2 बजे ये सत्र शुरू होने जा रहा है। तैयारी की दृष्टि से हमने इस बार भी कोविड की जो सभी नियम हैं, कोविड के जो सभी MHA गाइडलाइंस हैं, उनके मुताबिक अपने सभी जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, हमारे विधायक हैं, मंत्री हैं, सभी को कोविड टेस्ट करने के लिए कहा है कि कोविड टेस्ट करा करके आएं। आपकी बार मैं समझता हूं कि अभी तक जो विधानसभा के अंदर कल से कोविड टेस्ट हुए हैं, 3 विधानसभा के कर्मचारी जो हैं पॉजिटिव पाए गए हैं, और हमने सभी विधायकों, सभी जिलों के जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनसे भी पत्र लिख करके कहा है कि जो अपने सभी विधायक हैं उनका भी वो घर पर जा करके टेस्ट करवा करके यहाँ उनको टेस्ट का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करें। तो उसी दृष्टि से जहाँ बैठने की व्यवस्था है, क्योंकि 2 गज की दूरी अति आवश्यक है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए, सदन के अंदर भी जो बैठने की व्यवस्था है वो एक टेबल पे एक विधायक ही बैठ पाएंगे। और उसकी पूर्ति करने के लिए हमने जो दर्शक दीर्घा है, उस दर्शक दीर्घा के अंदर भी अपने सम्मानीय विधायकों को बैठाने का प्रोविज़न किया है, ताकि जो कोविड के नियम हैं उनका पालन हो सके। यानी जो आपने एक दिन का सेशन बुलाया था सर, वो एक दिन चल पाया था, COVID-19 की वजह से ज़्यादातर जो सदस्य हैं कोविड पॉजिटिव हो गए थे। यानी उसी व्यवस्था में रहेगा, ना दर्शक दीर्घा रहेगी और सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखा जाएगा? बिल्कुल, जिस प्रकार से पिछले हमने सत्र के अंदर कोशिश की थी, वही जो सारा प्रोविजन है अब की बार भी हमने किया है। सर, बिजनेस की बात करें, फिलहाल आपने जो प्रस्तावित शेड्यूल विधानसभा का दिया है उसमें 2 दिन का शेड्यूल आपने दिया है, ये और बढ़ने की भी संभावना है क्या सर? क्योंकि विपक्ष मांग कर रहा है कि सरकार को तमाम मुद्दों पर समय देना चाहिए और सेशन की अवधि को बढ़ाया जाना चाहिए। देखिए, सरकार की तरफ से 2 दिन का प्रस्ताव आया है, लेकिन हम बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग के अंदर जो विधायी कार्य है उसको देख करके कि कितना विधायी कार्य है, क्या क्या चर्चा होना बहुत आवश्यक है, उसके बाद BAC के अंदर हम तय करेंगे कि ये जो सत्र है कितनी देर चलेगा। सर, प्रश्नकाल रहेगा और उसमें प्रश्नों की अगर हम बात करें तो कितने प्रश्न जो है वो आपको मिले हैं और आप कितने ले पाएंगे? आपने ड्रॉ जो है जो शुरू किया है वो कर लिया गया क्या? देखिए, अभी तक 410 जो प्रश्न हैं वो तारांकित प्रश्न अभी तक आए हैं और 107 गैर तारांकित प्रश्न हैं। उन 410 में से हमने ड्रॉ ऑफ लॉट्स निकाला है, जिसमें क्योंकि 2 दिन का सत्र है, एक दिन में 20 प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है, तो 40 प्रश्न जो हैं हमने तय किए हैं जो 2 दिन के सत्र के अंदर लिए जाएंगे। और उस मेरा ये प्रयास रहा है कि हर एक विधायक का एक प्रश्न जो है वो अवश्य लगे, इस प्रकार का प्रोसीजर हमने अडॉप्ट किया है, वो ड्रॉ ऑफ लॉट से निकाला है। स्पीकर साहब, जो विपक्ष है उनकी तरफ से कोई काम रोको प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, इस तरीके के कोई प्रस्ताव दिए गए? देखिए, अभी तक जहाँ मुझे जानकारी है 50 जो है वो कॉल अटेंशन मोशन, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है अभी तक हमारे पास आए हैं। इसके अलावा 5 एडजर्नमेंट मोशन है
और पांच ही जो प्राइवेट मेंबर बिल हैं, ये अभी तक मेरे पास जानकारी है। और जो तारांकित प्रश्न है 410 और 107 जो हैं वो गैर तारांकित प्रश्न है, तो ये सारा हम वर्क देख करके उसके बाद ही तय कर पाएंगे कि क्या कितना समय इनको चर्चा करने के लिए आवश्यक है। पांच आपने प्राइवेट बिल जो है वो आने की बात की है कि वो दिए गए हैं प्रस्तावों के तौर पर, पांच प्राइवेट मेंबर बिल हैं, उसमें सर क्या प्रावधान है? क्योंकि 15 दिन का समय, जो जहां तक मुझे जानकारी है, 15 दिन का समय जो है वो अगर रहता है तो आप जो है वो उसके ऊपर विचार आगे करते हैं, कानूनी राय जो विधानसभा है वहां से आप ली जाती है। अब क्या प्रोसेस रहेगा सर उन पांच प्राइवेट मेंबर बिल को लेकर? नहीं देखिए, वही पांचों के पांच हमने LR के पास लीगल ओपिनियन लेने के लिए भेज दिए हैं। क्या वो टेक्निकली ठीक हैं, लीगली ठीक हैं, क्या समय अवधि के बीच में आए हैं, ये सारी चीज़ों के ऊपर LR का ओपिनियन आएगा और उस ओपिनियन के बाद ही ये तय होगा कि वो जो प्राइवेट मेंबर बिल हैं वो इस सत्र में चर्चा हो सकती है कि नहीं हो सकती। इसके साथ सर आपने ये भी जानकारी दी थी कि आप जो आपका हरियाणा और पंजाब के विधानसभा का जो जगह का जो मामला है, विवाद जो है, जितने जगह आपको मिलनी चाहिए उतनी आपको नहीं मिली हुई है, उसको लेकर आपने कहा था कि जो सदन की कार्रवाई जब बैठेगी तो आप उनसे रायशुमारी करेंगे कि हमें इस मामले में क्या स्टेप लेना चाहिए, तो उस पर भी विचार कर रहे हैं सर? देखिए, जहाँ तक मेरे पास जानकारी है कि इस विषय को लेकर सरकार अति गंभीर है और सरकार की ओर से एक प्रस्ताव भी इस बारे में विधानसभा के अंदर लाया जा सकता है, और जो मैं समझता हूँ कि सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पास किया जा सकता है कि हरियाणा को उसके हिस्से का स्थान जो पंजाब विधानसभा के पास है वो मिलना चाहिए। तो ये हमारे साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता थे, जिन्होंने जानकारी दी है कि जो विधानसभा का सेशन है वो फिलहाल 2 दिन का प्रस्तावित है, लेकिन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी, उसमें सत्र की अवधि और जो बिजनेस है सेशन का उसके ऊपर अंतिम मोहर लगाई जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी चंडीगढ़। इधर अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज ने विधानसभा सत्र को लेकर विपक्ष का घेराव किया, साथ ही दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना और हरियाणा में रेवाड़ी के लव जिहाद मामले पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। गुरुवार से हरियाणा विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसके चलते विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है, लेकिन सूबे के गृह मंत्री अनिल विज ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि विपक्ष में दमखम नहीं है और ना ही विपक्ष का ऐसा किरदार है कि वो सरकार को कुछ कह सके। वही सेशन से पहले सूबे के गृह मंत्री अनिल विज ने कोरोना की जांच भी करवाई। बता दें कि विधानसभा के सत्र से पहले सभी नेताओं की कोरोना जाँच अनिवार्य की गयी है। हमारी पूरी तैयारी है और विपक्ष में इतना दमखम नहीं है, वरना उनका ऐसा किरदार है कि वो सरकार पर कोई बात कह सके। रेवाड़ी के लव जिहाद मामले में लड़की के परिजन लड़की को नाबालिग बता रहे हैं और इस बात के सबूत भी पेश कर रहे हैं, लेकिन ये भी बात सामने आई है कि पुलिस ने लड़की को बालिग बताया है। इस पर प्रदेश के गृह मंत्री विज ने कहा कि सभी दस्तावेज बताएंगे कि लड़की बालिग है या नाबालिग और उसके बाद ही कार्रवाई की जाएगी। नहीं, वो तो दस्तावेज बोलेंगे, दस्तावेजों का आंकलन किया जाएगा, जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसको देखा जाएगा और उसके बाद ही उसके बारे में कार्रवाई की जाएगी। नहीं, वो तो दस्तावेज बोलेंगे, दस्तावेजों का आंकलन किया जाएगा, जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसको देखा जाएगा और उसके बाद ही उसके बारे में कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में कोरोना फिर सक्रिय हो गया है। मंगलवार की बात करें तो दिल्ली में 6,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। ऐसे में दिल्ली से सटे NCR इलाके को लेकर सरकार की चिंताएं बढ़ चुकी है, जिसे लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का कहना है कि दिल्ली के केसों पर हम निगाह रखे हुए हैं, लेकिन ये बेईमान वायरस है, ये धोखा दे जाता है और इसके आने जाने के बारे में कुछ भी कह पाना मुश्किल है। दिल्ली के जो केसेस बढ़ने पर हम निगाह रखे हुए हैं, क्योंकि दिल्ली से हमारे NCR के जो ज़िले हैं उनमें असर पड़ता है और उनमें आंकड़ा बहुत ज़्यादा
भी आ रहा है। पहले भी हमने ये देखा था कि जब जब दिल्ली में बढ़ता था, हरियाणा के साथ लगते जिलों में भी ये कोरोना बढ़ता था। अब दूसरी लहर आ रही है या नहीं आ रही है, इस बारे में कोई भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो वायरस है ये बहुत बेईमान किस्म का वायरस है, ये कई बार धोखा दे जाता है। बड़ौदा के सियासी रण के बाद अनिल विज विधानसभा सत्र में विपक्ष के सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं। साथ ही एक बार फिर अनिल विज ने हर सवाल का जवाब अपने ही अंदाज में दिया। जनता टीवी के लिए अंबाला से हरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ में बड़ौदा उपचुनाव के बाद कृषि मंत्री जेपी दलाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी की जीत का दावा किया, साथ ही कांग्रेस पर जमकर हल्ला भी बोला। बड़ौदा में उपचुनाव के लिए वोटिंग हो गई है और ईवीएम में प्रत्याशियों की किस्मत भी कैद हो गई है, लेकिन जीत के दावे कम होने का नाम नहीं ले रहे। इसी कड़ी में चंडीगढ़ में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि बड़ौदा के बहादुर मतदाताओं ने अच्छा काम किया है। 59% के करीब मतदान हुआ और ये मतदान विकास को लेकर हुआ है। बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के बहादुर मतदाताओं का धन्यवाद करना, उन्होंने बड़ा अच्छा मतदान किया है। हालांकि फसल का टाइम था, कोरोना का भी था, मंडियां चल रही थी, लेकिन बहुत अच्छा, लगभग 69% के आसपास मतदान हुआ है और ये मतदान विकास के लिए हुआ है। साथ ही जेपी दलाल ने कहा कि कांग्रेस की जातिवाद और इलाकावाद की राजनीति करने की आदत है, लेकिन मतदाता भ्रमित नहीं हुआ। बड़ौदा के मतदाताओं ने योगेश्वर दत्त के लिए मतदान किया है और अब बड़ौदा का विकास गुरुग्राम के तर्ज पर होगा। विपक्षी पार्टियों ने, खासकर कांग्रेस ने, वही जो पुरानी उसकी नीतियां हैं, जाति पाति की राजनीति करना, इलाकावाद की राजनीति करना, वो मुद्दे उठाने की कोशिश की, लेकिन मतदाता भ्रमित नहीं हुआ और उसने दब के भारतीय जनता पार्टी जजपा के कैंडिडेट, जो एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सेलिब्रिटी पहलवान है भाई योगेश्वर दत्त, उसके लिए मतदान किया है। और बड़ौदा हलका बहुत लंबे वक्त के बाद बड़ी बनाई सरकार के अंदर एक योग्य विधायक को भेजकर विकास की रफ्तार में भागीदारी बनेगा। कांग्रेस पर तंज कसते हुए, आरोप मढ़ते हुए जेपी दलाल ने कहा कि कांग्रेस ने पिछले दिनों भ्रमित करने का प्रयास किया, इलेक्शन कमीशन को शिकायत दी। कांग्रेस ने हम पर शराब, पैसे और सिलेंडर बांटने के आरोप लगाए, मगर ये पुरानी आदत कांग्रेस की है। कांग्रेस ने छोटे बच्चों पर ईवीएम हैक करने के भी आरोप लगाए, जो हथकंडे कांग्रेस पहले अपनाती है वो हम पर लांछन लगाए। कांग्रेस ने खासकर भ्रमित करने की कोशिश की, इलेक्शन कमीशन में शिकायत करती रही, अधिकारियों को शिकायत करती रही, कभी अधिकारियों की शिकायत की। और कांग्रेस की मानसिकता को देखिए, कभी तो उसने हमारे ऊपर लांछन लगाया कि हम शराब बांट रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस को शराब बांटने की आदत बहुत पुरानी है। कभी उसने कहा कि हम सिलेंडर बांट रहे हैं, कांग्रेस को इस तरह की गतिविधियां करने की आदत पुरानी है। कभी कांग्रेस के ने ये आरोप लगाया कि हम पैसे बांट रहे हैं। और हद तो जब होगी, जब हमारे छोटे छोटे बच्चे जो मतदान के लिए पर्चियां कंप्यूटराइज निकाल के दे रहे थे, उस पर एलिगेशन लगा दिया कि हम मशीन हैकिंग कर रहे हैं। योगेश्वर को झंडी देने की बात पर जेपी दलाल ने कहा, मंत्रिमंडल में जगह देने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री का अधिकार है। मुख्यमंत्री ने बड़ौदा में कहा, अगर उम्मीदवार जीतता है तो सरकार में हिस्सेदारी होगी। वो काम हमारा मुख्यमंत्री जी का है और मुख्यमंत्री जी ने वहाँ कहा है कि बड़ौदा हलके की हिस्सेदारी जरूर होगी। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि मतलब प्रतिनिधित्व मिल जाएगा। पर प्रतिनिधि भाजपा का विधायक चुन जाता है पहली बार, तो उसका सरकार में हिस्सेदारी होगी। गुरुवार
गुरुवार को होने वाले विधानसभा सत्र पर बोलते हुए उन्होंने कहा, विधानसभा सभी के लिए तैयार है, जवाब देने के लिए हम भी तैयार हैं। हम तैयार हैं, सरकार कहीं बैकफुट पे नहीं है, हर चीज के लिए जवाब देने के लिए तैयार हैं। बड़ौदा के लिए अब सभी को 10 नवंबर का इंतजार है कि बड़ौदा की जनता ने किसको अपना विधायक चुना है। तब तक इस इंतजार के साथ साथ जीत के दावे भी बढ़ते रहेंगे। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। बड़ौदा उपचुनाव के बाद बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमला कर रही है। इसी कड़ी में प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने भी चंडीगढ़ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर हमला बोला। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर वोटिंग हो गई है, इंतजार अब रिजल्ट का है जो 10 नवंबर को सबके सामने होगा। लेकिन बयानबाजियों का दौर तेज होता जा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहते हैं कि बड़ौदा उपचुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने गलत तरीके से बयानबाजियां की। कल चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, बहुत ही हल्के शब्दों का उपयोग कांग्रेस के नेताओं ने किया, जो कांग्रेस के इस प्रकार के अहंकार को अभिव्यक्त करता है। साथ ही धनखड़ ने ये भी कहा कि कांग्रेस का अहंकार सातवें आसमान पर था, लेकिन योगेश्वर दत्त बड़ौदा का उपचुनाव कई हजार वोटों के अंतर से जीतेंगे। प्रारंभ में कांग्रेस का अहंकार जो है वो सातवें आसमान पे था, और मुझे पूरी उम्मीद है कि परिणाम जो है योगेश्वर दत्त के पक्ष में धनात्मक है, जनता का रुझान इसी प्रकार का दिखाई दिया है। देखिए, जीत हजारों में होगी और अच्छी प्रभावी जीत होगी। वही धनखड़ ने यह भी कहा कि बीजेपी को विकास के चलते वोट मिला, कांग्रेस का प्रचार व्यक्तिगत था, बीजेपी विकास पर लड़ी है। विकास की भी आकांक्षा वहाँ के लोगों में थी, क्योंकि कांग्रेस का कैंपेन केवल और केवल व्यक्तिगत राजनीति तक सीमित हो गया था कि भाई हमारी वो बचाओ, हमारी शान बचाओ, हमारे लिए कुछ करो। लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन था वो प्रो कैंडिडेट और प्रो विकास था। लव जिहाद के मामले पर ओपी धनखड़ ने कहा, नीतिका तोमर इसकी पहली बलिदानी है, विपरीत किस्म का हनी ट्रैप है जिसमें भोली भाली लड़कियों को संगठित तरह के अपराधी गुमराह करते हैं। इस मामले में कांग्रेस को आत्मलज्जा का एहसास होना चाहिए, क्योंकि नीतिका का आरोपी कांग्रेस से संबंध रखता है। निकिता तोमर इस विषय की पहली बलिदानी है, और निकिता तोमर का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। जहां हनी ट्रैप को हम दूसरी तरफ से कहते हैं, ये विपरीत साइड का हनी ट्रैप है जिसमें भोली भाली लड़कियों को फंसाकर और संगठित किस्म के अपराधी उनके प्रति अन्याय अत्याचार करते हैं, उनको विवश करते हैं समर्पण के लिए, उनको विवश करते हैं अपने साथ रहने और रखने के लिए, और ये बहुत ही संगठित किस्म का अपराध है, इसको रोका जाना समय की जरूरत है। कांग्रेस भी कल प्रदेश स्तर का धरना कर रही है, 10 बजे से 2 बजे तक महिलाओं पर हो रहे अत्याचार। निश्चित रूप से कांग्रेस ने थोड़ी सी निकिता तोमर वाले विषय में, तो मुझे लगता है कांग्रेस को थोड़ी आत्मलज्जा का एहसास भी होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेसी परिवार से वो अपराधी थे, और जिस प्रकार की मैं कहूँगा कि दुस्साहस और दुष्टता जिन्होंने की है, इसका गुस्सा पूरे हरियाणा को है। बड़ौदा उपचुनाव के नतीजे जब आएंगे तो साफ हो जाएगा कि बड़ौदा की जनता ने किसे अपना विधायक चुना है, क्योंकि चुनाव हो गया है, ईवीएम पैक हो गई है, सभी दावों और वादों के आधार पर वोट गिर गया है। देखना बस ये है कि बड़ौदा का किंग आखिर कौन बनेगा। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से। जी, तो प्रदेश की सियासत का कमोबेश यही हाल है, और विधानसभा की जब कार्यवाही आगे बढ़ेगी तो उसमें भी बहुत सारी बातें और सुनने को मिलेगी, बहुत सारी चीजें और देखने को मिलेंगी, बहुत सारे और बयानात सामने आएंगे, उस पर भी सियासी गलियारे के जरिए जरूर हमारी नजर रहेगी।